अभी टाइम हुआ है, देख सकते हो 12:39 और मैं रेडी हो चुका हूँ बारात में जाने के लिए। एक्चुअली ये कुर्ता मैं सिर्फ दो ही बार पहना हूँ, एक बार मेरे अंकल के बारात में पहना था, दूसरी बार जब मैं बालाकुमारी टेम्पल गया था ना तब पहना था, उसके बाद मैंने कुर्ता कभी पहना ही नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ कि ये कुर्ता पहन के बारात में चला जाऊंगा। कुर्ता का कुछ तो यूज हो भाई, कुर्ता मैं ऐसे तो ज्यादा पहनता नहीं हूँ, ज्यादातर मेरा फॉर्मल शर्ट होता है या फिर थोड़ा जो कैजुअल शर्ट होता है ये सब मैं पहनता हूँ। मैं कुर्ता और मैंने अंकल के रिसेप्शन के लिए एक मैंने ब्लेजर खरीदा था, वो मैंने सिर्फ जिंदगी में एक ही बार पहना है भाई, क्योंकि ये सब हम रोज रोज नहीं पहनते ना, तो ये सब एक ही दो बार होता है फिर रह जाता है। तो सोच रहा आज जा रहा हूँ तो ये पहन लूंगा। मम्मी ने बोला था आज हम 12 निकलेंगे बारात के लिए, पर क्या कल हम जो गांव गए थे ना, गांव का नाम मैं भूल रहा हूँ, गंडोला ऐसा कुछ गांव था जहां हम गए थे, वो वहीं से बारात निकल के आ रहे ब्रह्मपुर, फिर ब्रह्मपुर पे कहाँ जाने के लिए। तो हम ब्रह्मपुर में तो है और अब तक तो नहीं आए होंगे, क्यों आए होंगे तो अब हम अब तक कॉल आ जाता, तो देखेंगे अभी निकल जाएंगे 10-15 के अंदर निकलेंगे, तब तक वो ब्रह्मपुर आ जाएंगे, बारात का प्रोसेशन यहाँ से शुरू होगा। ऑब्वियसली बारात में सब लोग डांस करते करते जाएंगे, पर तुम्हारे भाई को डांस नहीं आता, तो मैं क्या करूंगा ना 10-15 चलूंगा, फिर गाड़ी लेके थोड़ा आगे जाऊंगा, गाड़ी लेके थोड़ा आगे लेके जहाँ पे फंक्शन है ना वहां चला जाऊंगा, ताकि फंक्शन खत्म होते ही हम गाड़ी से डायरेक्ट घर निकल जाए, वरना वहां से चल के फिर से गाड़ी जहाँ पे पार्क होगा तब तक कौन आएगा भाई, बहुत दूर है। तो सोच रहा गाड़ी मैं लेके चला जाऊंगा, जब खत्म होगा वहीं से गाड़ी लेके निकल जाएंगे। ये तुम्हारा भाई का क्या बोलते 100+ IQ है, मैं तो बोलता मेरा IQ आइंस्टाइन से भी ज्यादा है भाई। तो देखते हैं कब निकल रहे हैं हम। जब मैंने कुर्ता चेंज करके ये शर्ट डाल दिया, क्योंकि कुर्ते में मैं थोड़ा मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्यों पता नहीं, तो मैंने चेंज कर दिया, ये शर्ट डाल दिया, अभी निकल रहे हैं। अभी टाइम देख सकते हो 1:25 हो चुके और अभी हम निकल रहे हैं बारात के लिए। गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे सब डांस कर रहे, पर तुम्हारा भाई इसीलिए नहीं जा रहे क्योंकि तुम्हारे भाई को डांस नहीं आता, और वहाँ पे जाऊँगा ना तो मेरा मजाक बन जाएगा यार, इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ। और ये डीजे जब सब डांस कर रहे, मैं पीछे रह रहा हूँ, दूर रह रहा हूँ, क्योंकि डांस नहीं आता ना, अगर कोई सिखाएगा तो मुझे 1-2 लगेगा सीखने के लिए, तो रहने दो भाई। गाइस मैं खाना खाने आ गया क्योंकि 3 और मुझे बड़ा जोर का भूख लगा, पहले खा लेता हूँ फिर बाकी चीज़ देखेंगे। गाइस मैं ऐसे ही खुद को रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पेट पूजा हो चुका है, और मैं वे देख रहा हूँ ये लोग कब निकलेंगे तब निकले, और मैं ऐसे ही खुद को रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा मैं बारात में ज़्यादा मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाया क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, तो ऐसे ही खुद को पागलपंती कर रहा हूँ। चलो मैं फाइनली घर पे आ चुका हूँ, अभी मैं गाड़ी का चाबी लेके जा रहा हूँ एक एक को, जहाँ पे फंक्शन चल रहा है ना वहां से लेके यहाँ आने वाला हूँ। और अभी टाइम हो चुका है आप देख सकते हो 3:53 दिख रहा है या नहीं पता, क्या पता दिख रहा है, कैसे दिखाऊं यार, ये फ्रंट कैमरा से शूट हो रहा है ना। अभी मैंने बोल दिया ना 3:53 हो चुका है, तो मैं उनको एक लेके आऊंगा, फिर आखिर मम्मी को लेके आऊंगे और यहाँ आएंगे, या फिर डायरेक्ट अपने घर चले जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। लेट्स गो, जुबली 5 आ जाएगी ना इसलिए। गाइस अभी टाइम हो चुके 4:46 और मैं नानी के घर पे हूँ, क्योंकि मम्मी और आंटी अभी भी फंक्शन पे, वो अभी तक घर नहीं आए, और दीदी मेरा गाड़ी लेके मार्केट गई, तो हम घर जाने का पास कोई मतलब कोई भी उपाय नहीं, अगर मम्मी आ भी गए तो दीदी को भी आना पड़ेगा, दीदी आ गए तो मम्मी को तो आना पड़ेगा ना, देखते हैं। और जुबली 5:30 कॉलेज से 5:30 या 5:45 को घर कॉलेज से आ जाने वाली है, देखते हैं क्या करेंगे कैसा नहीं, जब जाएंगे तब बताऊंगा। फाइनली अभी मैं घर आ चुका हूँ और अभी टाइम हो चुका है 6:00 और मैं बहुत थक चुका हूँ यार, तो अभी मैं कपड़े बदल के इस ब्लॉग को एडिट भी करूंगा या डायरेक्ट ऐसे सो जाऊंगा पता नहीं, पर ब्लॉग तो कल टाइम पे आ ही जाएगा। और ये मोहतरमा भी अभी कॉलेज से आ चुकी है, और हम तो आपको मैंने दिखाया हमने क्या खाया, और फिर उसके उनके यहाँ बना था आइसक्रीम बना था, फिर फ्रूट जलसा था, फिर दही बड़ा था, फिर और क्या था मुझे याद नहीं है, बहुत कुछ था, पर मुझे मजा आया, पर मैं थक चुका हूँ यार। सो आज के लिए इतना ही, अगर आपको पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जितना हो सके उतना शेयर करना, मैं आपको मिलूंगा अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।